नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है, तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी जारी है। ये खबर लगभग तय है कि चिराग पासवान अपने पिता यानी कि दिवंगत रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति रामविलास को 5 सीट दी जा रही है। इसको लेकर उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी इस बात पर कि क्यों चिराग पासवान को NDA में ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इसको लेकर अब पूर्व CM जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। एक तरफ उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि चिराग पासवान को NDA में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वही उन्होंने पशुपति पारस के ईमानदारी पर भी सवाल उठाया है। जी हां, आपको बता दें, पशुपति पारस के ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते नजर आए हैं पूर्व CM जीतन राम मांझी। बता दें, इससे पहले मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि पशुपति पारस इधर उधर करते हैं तो नरेंद्र मोदी की आंधी में उड़ जाएंगे। जीतन राम मांझी अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा पशुपति और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच विवाद पर कहा कि पशुपति पारस पर प्रेशर बनने का काम कर रहे हैं। इस वजह से जो 7-4 MP थे उसमें से कुछ इधर उधर भी हो गए हैं। महबूब अली कैसर पारस खेमे से निकलकर चिराग के साथ चले गए। उनसे समझाया गया कि चिराग पासवान युवा हैं और उनके फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं। ऐसी परिस्थिति में NDA के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है कि जो भी सीट है वह चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। पशुपति पारस ने कहा कि आपके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के लायक आपको भी जगह दी जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि इसके बाद भी पारस नहीं मान रहे हैं। कभी RJD में जाएंगे तो कभी कहते हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि NDA के ईमानदार सिपाही हैं। यह दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? ईमानदार सिपाही अगर खुद को मानते हैं तो NDA के निर्णय को बिना किसी विवाद के मान लेना चाहिए। इससे पहले जीतन राम मांझी के पुत्र और नीतीश सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन पशुपति कुमार पारस को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि NDA में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर इधर उधर किए तो नरेंद्र मोदी की आंधी में उड़कर कहां चले जाएंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। संतोष मांझी ने कहा कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होता है, न कि सीट की लड़ाई के लिए। पशुपति पारस को NDA का फैसला मान लेना चाहिए। NDA में सीट बंटवारे के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि सब काम समय से हो जाएगा, यह कोई नई बात नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं, हम तो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद 2 से 5 दिनों तक यानी नामांकन के समय तक सीट फाइनल होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, 2024 में किसी से कंपटीशन नहीं है, जनता नरेंद्र मोदी के ही साथ है। तो आपको बता दें, पशुपति पारस ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि अगर उनके पार्टी के साथ कोई अन्याय होता है तो इधर उधर के विकल्प उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते नजर आते हैं कई बार कि वो NDA के ईमानदार सिपाही है। बस इसी को लेकर पूर्व CM जीतन राम मांझी ने उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि अगर वो खुद को ईमानदार सिपाही मानते हैं तो फिर NDA का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला ले रहा है उसे उन्हें मान लेना चाहिए। पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर नाराज बताया जा रहा है कि क्यों वो सीट पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को दिया जा रहा है, क्यों NDA में चिराग पासवान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस पर भी जीतन राम मांझी समझाते नजर आए कि वो युवा नेता है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, लेकिन पशुपति पारस को भी उन्हें सम्मानित स्थान दिया जाएगा। हालांकि पशुपति पारस इस बात को लेकर लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। अक्सर वो कहते नजर आए हैं कि वो अपने भाई के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए हाजीपुर सीट पर उनका हक है। आपको बता दें, NDA की ओर से अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है बिहार में, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी को 5 सीट दी जा रही है। इसको लेकर जीतन राम मांझी किस तरीके से पशुपति पारस की ईमानदारी पर सवाल खड़े करते नजर आए, यह भी हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। अब पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं, NDA में क्या सीट शेयरिंग होती है और इसके बाद कौन खुश रहता है कौन नाराज, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।